भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान और एक्ट्रेस सागरिका घाटके की पहली मुलाकात काफी फिल्मी थी। कहा जाता है कि जहीर और सागरिका अंगद बेदी और कुछ अन्य कॉमन दोस्तों के जरिए मिले थे। उसके बाद दोनों तकरीबन 1.5 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। बताया जाता है कि जहीर ने अपने घर वालों को अपनी और सागरिका की शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मनाया। उनके घर वालों ने पहले सागरिका की फिल्म चक दे इंडिया की सीडी मंगवाई और पूरी फिल्म देखी, तब उसके बाद ही उन्होंने शादी के लिए हाँ बोला। चूंकि सागरिका की फैमिली मराठी बैकग्राउंड से है और जहीर भी मराठी बोल लेते हैं, तो यह खूबी जहीर खान के फेवर में काम कर गई। क्रिकेट और मराठी हुनर घाटके परिवार को जहीर में एक साथ मिले और बस बिना मौका गवाए दोनों के रिश्ते को रजामंदी मिल गई। जहीर और सागरिका ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया, हालांकि किसी को भी दोनों के अफेयर की भनक तक नहीं थी। फिर युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी में दोनों पहली बार साथ नजर आए और सब कुछ खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद इस जोड़ी ने काफी सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, सागरिका आईपीएल में जहीर खान की सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर भी आती थी। कई जगहों पर जहीर और सागरिका साथ घूमने लगे। इंस्टाग्राम पर भी सागरिका अक्सर जहीर के साथ अपनी फोटोज शेयर करती रहती थी। दोनों ने करीब 1.5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर आखिरकार 23 नवंबर 2017 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। बता दें कि सागरिका का जन्म कोल्हापुर में हुआ और वह एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। चकदे के बाद सागरिका ने साल 2013 में फिल्म रश में इमरान हाशमी के साथ काम किया था। हिंदी के साथ सागरिका ने पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी फिल्म दिलदारियां सागरिका की हिट फिल्मों में से एक है। जहीर खान भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में से एक है। जहीर ने भारत के लिए 92 टेस्ट, 200 वनडे और 17 T20 मैच खेले हैं।